हमारे सुपर हीरो जॉनरा में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, लेकिन इंडिया में कुछ खास सुपर हीरोज नहीं हैं जो मार्वल डीसी को टक्कर दे पाए। एंड फाइनली एक सुपर हीरो आ चुका है फ्रॉम द प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, लेकिन एक सुपर हीरो जो है जो सुपर से भी ऊपर है, जिसे बोलते हैं हनुमान। तो आओ देखते हैं क्या ये हनुमान मूवी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव आयरन मैन या फिर अदर मूवी जैसा रख पाए या फिर नहीं। तो भाई लोग, फिल्म की शुरुआत होती है एक एंटागनिस्ट से, यानी कि हमारे विलन से, जो बेसिकली डाई हार्ड फैन होता है मार्वल डीसी का, और उतना बड़ा वो सुपर हीरो जॉनरा का फैन होता है कि वो अपने पास वो रखे होते ढेर सारे स्पाइडर्स, उनसे वो अपने हाथों को कटवाता है। जब वो स्पाइडरमैन नहीं बन पाता तो फिर वो अपना जो होता नहीं है अपना आइडल चेंज करता है। अब उसका आइडल बैटमैन है। अब वो बैटमैन बनने की पूरी कोशिश करता है, जैसे कि बैटमैन के साथ जो चीजें हुई है वो अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करता है। अब कहानी को शिफ्ट करते हैं अपने हीरो पे, जो कि अपना हीरो जो है वो रहता है अंजनदारी में, जिसका नाम है हनुमंत। और उसमें सिर्फ एक ही खामियां है कि वो एक छोटा मोटा चोर है और उसकी जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है। लेकिन प्यार का माया जाल इंसान से क्या नहीं करवाता। इन भाई साहब के साथ ऐसा ही होता है, कोई समवन स्पेशल एट नाइट दिक्कत कर जाता है, जिसके बचाने के चक्कर में बंदा शहीद हो जाता है। उसे मारकर उसे पानी में फेंक देते हैं, फिर वो पानी के अंदर जाता है। उसे मिलता है लॉर्ड हनुमान का ब्लड स्टोन, एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर हनुमान जी का ब्लड का ड्रॉप पड़ा हुआ है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। बेसिकली ये वो कहानी है जब हनुमान जी बच्चे हुआ करते थे एंड उन्होंने सूरज खाने की कोशिश की थी। उसी सूरज को खाने के चक्कर में उनके ऊपर वार किए गए, वो ब्लड ड्रॉप वो पानी के अंजनधारी वाले जहां गिरे और वो एक सीप में जा फंसे। एंड वही चीज से हमारे हीरो को शक्तियां मिलती है एंड वो बन जाता है अंजनधारी का एक सुपर हीरो। एंड वहां के लोगों को जहां जहां बुरी चीजें हो रही है, जहां पर वो एज अ हीरो सबको बचाता है। एंड यही बात पता चल जाती है हमारे बैटमैन के फैन को कि उसे के लिए अब वो शक्तियां आम नहीं रही, अब उसको चाहिए अब हैवी डोज ऑफ सुपर पावर। तो इसीलिए वो आया हुआ है अंजनदारी में। वो एक ऐसा बंदा है जिसने सच का चोला पहना हुआ है लेकिन मन के अंदर झूठी बसा हुआ है। एंड इसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमारा हीरो विलन से कैसे भिड़ता है, क्या क्या करता है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी एंड इतना काफी होगा इस स्वीट एवरेज फिल्म के लिए। पॉजिटिव नंबर वन, स्टोरी, गूज़बम्प्स, एक्टर। पहले बात करते हैं कहानी को लेकर। कहानी बहुत ही मस्त हिंदू मैथोलॉजी से उठा ली हुई है, जो देखने में बहुत ही प्यारी होती है। एंड कहानी बहुत अच्छे तरीके से लेती जा रही है, जहां पे अपने कुछ सुपर हीरो की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी में हम देखते हैं और सीखते हैं, वो काफी तक रिमेंबर कराती है कहानी। दूसरा, गूज़बम्प्स मोमेंट। इस मूवी में हर एक मोमेंट पर गूज़बम्प्स मोमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं डिसाइपल्स, उनके साथ जो रहते थे, तो वो भी इस मूवी में देखने को। वो जो श्री राम वाला जो मेथड इसमें दिखाया हुआ, वो बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स मोमेंट था। तीसरा, फिल्म के एक्टर्स, अगर बात करें एक्टर्स जिसने हनुमंत का रोल किया हुआ है, वो बहुत ही प्यारा किया हुआ है, जो कि देखने में प्यारा एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। पॉजिटिव नंबर टू, विजुअल ट्रीट, प्रशांत वर्मा विजन, हिंदू माइथोलॉजी। तो पहले बात कर लेते हैं हम विजुअल ट्रीट की। जो हमें पानी के अंदर जो विजुअल ट्रीट देखने को मिलती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट देखने को मिलती है, जो हमारा दिल ले। और दूसरा बात करें प्रशांत वर्मा का विजन, बहुत ही प्यारा विजन है और फिल्म खत्म होते ही एक ऐसी चीजें छोड़ जाती है जिसके लिए हम वेरी एक्साइटेड हो जाते हैं। इनका विजन टॉप क्लास है। एंड तीसरा, हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी को बहुत अच्छे से पेश करके दिखा रहे हैं, जैसे कि जो जो चीजें हुई थी हमारे यूनिवर्स के पार्ट में, वही इस यूनिवर्स के पार्ट में वो चीजें सारी एग्जिस्ट हुई है, तो वो सारा यहाँ पर कैनन हुआ है। तो सारी चीजें सेम टू सेम लगी एंड ओवरऑल अच्छे तरीके से इन्होंने टाई अप किया हुआ है कॉन्सेप्ट। नेगेटिव नंबर वन, VFX एंड CGI एंड विलन। अगर बात करें हमारे VFX एंड CGI को लेकर, कहीं ना कहीं आपको ये VFX एंड CGI बहुत ही नकली लगने लगेंगे, क्योंकि एट द इसका बजट के हिसाब से तो VFX ठीक ही दिया है, लेकिन अगर आप सुपर हीरो फिल्म बेच रहे हो तो VFX एंड CGI बहुत ही मैटर कर जाता है। एंड यही चीज फिल्म का जो सबसे प्लस पॉइंट है, यही नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। एंड दूसरा, विलन। अगर बात करें विलन को लेकर, जहां पर इन्होंने विलन पर कुछ खास वर्क नहीं किया हुआ है एंड जिसकी एक्टिंग दैट्स टू मच एक्टिंग। अगर इसे एज अ बेन एफ्लेक अगर आप बेच रहे हो तो बेन एफ्लेक जैसा दिखना चाहिए, रॉबर्ट पैटिसन जैसा बैटमैन विजिलेंटी दिखना चाहिए, वो विजिलेंटी वाला लुक इस बंदे में नहीं आता एंड वो गुस्सा एंड एग्रेशन जो होता है वो कहीं मुझे मिसिंग लगा। तो विलन इसका बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट था मूवी का। नेगेटिव नंबर टू, एक्शन, फास्ट पेस एंड किडिश। तो पहले बात कर लेते हैं एक्शन पेस की। जहां पर हम सुपर हीरो जॉनर में जो मूवीज देखते हैं, जहां पर एक्शन पेस बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही तगड़े होते हैं, जहां पे अपने को हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड अदर कॉम्बैट मिलता है, जहां पर हमारा जो हनुमान का कैरेक्टर है वो लोगों को मारता है एक मुक्का में, तो आदमी उड़ जा रहा है, मतलब एक
प्रॉपर हैंड टू हैंड बैटल हमें देखने को नहीं मिला पूरी मूवी में, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एक सुपर हीरो मूवीज में एक्शन बहुत मैटर करता है। थोड़ा फास्ट पेस, अगर फिल्म की पेस की बात करो तो फिल्म बहुत ही फास्ट फास्ट चलेगी, लगेगा फिल्म आपको भगा भगा के दिखाई जा रही है। एंड कहीं ना कहीं फिल्म की ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तीसरा, ओनली फॉर किड्स, मतलब कुछ ऐसे सीन है जो बच्चों के लिए ही देखने को मिलता है, जैसे कि अगर किसी बंदे ने छुरा भोपा तो सूरज सूरज जैसे घोपा छुरा तो इंसान मर जाना चाहिए एटलीस्ट, तो वो जाकर के पानी में फ्लोट करना, तो वो बचकानी चीजें कर जाता है ये मूवी। लेकिन मैं बोलूंगा एक अच्छी कोशिश थी प्रशांत वर्मा, एंड आपके विजन पर बहुत भरोसा, एंड आप इस विजन को लेकर बहुत ब्राइट फ्यूचर ले जाओगे। और जब फिल्म का अंत आता है तो फिल्म के अंत के 5 मिनट में वो मूवी काम कर जाती है जो पूरी मूवी नहीं कर पाती। ये अंत का 5 मिनट आदि पुरुष का 100% पे भारी पड़ जाता है। अगर बात करें मेरी ओपिनियन की तो फिल्म एक एवरेज सुपर हीरो मूवी है, जैसे बेसिकली अपन देखते हैं वैसे ही, लेकिन कोशिश अच्छी थी। अगर बात करें स्टार्स को लेकर तो मैं इस फिल्म को 5 out of 3 stars देना चाहूंगा, क्योंकि कई खामियां की वजह से फिर भी एज अ इंडियन कल्चर एंड हिंदू मैथोलॉजी की वजह से इसे 3 stars मिलते हैं 5 out of, एंड ओवरऑल मुझे जो ये मूवी है अच्छी लगी, एंड आपको भी देखनी चाहिए क्योंकि इंडिया की पहली पहल है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉट अ हाई रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको देखो, एटलीस्ट इस सिनेमैटिक को सपोर्ट दे सकते हैं ना। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में लगा था कि बहुत